बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। बिलासपुर के बराड़ी थाना के अंतर्गत दायरा गांव में 7 जून को 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, बराड़ी पुलिस ने नाबालिग मृतिका के रिश्ते में लगने वाली बुआ, उसके बेटे और बेटी को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि मृतिका के पिता ने पुलिस को बयान दिया है कि बेटी की रिश्ते में लगने वाली बुआ और उसके बेटा बेटी उनकी बेटी को अपने घर आने के लिए मजबूर किया करते थे। बुआ का बेटा लगातार उनकी बेटी को फोन करता था। वहीं नाबालिका की बुआ पिछले कई सालों से दायरा में अपने मायके में ही रहती है। उसका 23 वर्षीय बेटा भी उसके साथ ही यहीं रहता है, जबकि उसकी बेटी की शादी हो चुकी है और वह आजकल दायरा ही आई हुई थी। मृतिका के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसकी बुआ, उसके बेटे और बेटी को गिरफ्तार कर उनका मोबाइल जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस बिसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। नाबालिका के पिता के बयान के अनुसार आरोपी उनकी बेटी को अपने घर जबरदस्ती बुलाते थे और बुआ का बेटा फोन पर उनकी बेटी से बात करता था। वहीं पिता ने आरोप लगाया है कि ये तीनों ही उनकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेवार है। जून को जो है पुलिस थाना भराड़ी में सूचना मिली थी कि एक लड़की ने जो है नाबालिग लड़की ने जहर खा लिया है, जिसे जो है सीएससी जाओ ले जाया गया, वहाँ से रेफर कर दिया गया था भोरंज, जहाँ अस्पताल सीएससी भोरंज में जो है मृत घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद जो है दिनांक 15 को जो है उसके पिता आत्माराम ने आरोप लगाया है कि ऐसे ऐसे तीन लोग जो है उसे तंग करते थे, जिस पे जो है आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो 19 तारीख तक जो है पुलिस रिमांड में। ओजुअल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।